प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 70,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आज 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। रोजगार मेला एनडीए बीजेपी सरकार की नई पहचान बन गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रेम मंदिर के पीछे कुछ टीन शेड बने हुए थे, वहां पर भीषण आग भभक उठी। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं हो पाई। पानी के बड़े बिल से जूझ रहे दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने वन टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान किया है। यह योजना 1 अगस्त से 3 महीने के लिए लागू होगी। योजना का फायदा उठाने के लिए नए बिल का पेमेंट करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के स्नातक मेडिकल दाखिला परीक्षा नीट यूजीसी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के प्रभंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती ने 99.99% के साथ नीट परीक्षा में टॉप किया है। एनटीए की ओर से बताया गया है कि सफल हुए उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं और उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर है। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने उगाए गए जीनिया फूल की एक तस्वीर शेयर की है। नासा ने लिखा, वैज्ञानिक 1970 के दशक से अंतरिक्ष में पौधों पर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह वाला एक्सपेरिमेंट ISS में 2015 नासा के अंतरिक्ष यात्री चेल लिंडग्रेन ने शुरू किया था। एक यूजर ने तस्वीर को लेकर लिखा, अविश्वसनीय और खूबसूरत। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।